नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच भारत में भी कोरोना के मामलों में इजाफा होने लगा है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश के अलग अलग हिस्सों से कोरोना विस्फोट के मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के वृद्धाश्रम में 69 बुजुर्गों में कोरोना के लक्षण पाए गए, जिसके बाद अब गोवा और तेलंगाना में भी कोरोना विस्फोट से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, गोवा के एक जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में 7 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये डिटेंशन सेंटर सरकारी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नॉर्थ गोवा के DM अजीत रॉय ने बताया कि सभी बच्चों को आइसोलेट कर लिया गया है और सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, डॉक्टरों की टीम बच्चों की निगरानी कर रही है। आपको बता दें, ये बच्चे राजधानी पंजिंग के किसी बाहरी इलाके में स्थित सेंटर में रखे गए हैं। अजीत रॉय ने बताया कि अपना घर नाम के जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में 7 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। उन्होंने कहा कि हमने अभी इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं किया है, क्योंकि ये सिर्फ सेंटर तक ही सीमित है। अजीत रॉय ने बताया कि सेंटर के अंदर एक बच्चे को पहले वायरल फीवर हुआ था, जिसे यहाँ से मध्य प्रदेश ले जाना था, लेकिन जब उस बच्चे के साथ साथ अन्य बच्चों का टेस्ट किया गया तो सभी बच्चे पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा महाराष्ट्र और गोवा के अलावा तेलंगाना के संगा रेड्डी जिले के महात्मा ज्योतिबा फुले स्कूल की 43 छात्राओं में भी कोरोना संक्रमण पाया गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। DM डॉक्टर गायत्री का कहना है कि सभी छात्राओं के कोरोना संक्रमित होने की सूचना मिली है, जिसके बाद सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। इनका इलाज जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।